क्या एंटरटेनमेंट का कोई भी स्कोप है जो सी ए सी ए में कर रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत लोग के माइंड में आता है। तो देखो मेरा अभी एकदम क्लियर कट ये बात बोल रहा है कि अब आज के दिन जब ऑलरेडी इतना सारा ऑनलाइन का जमाना आ गया है, मैक्सिमम स्टूडेंट ऑफलाइन क्लास करते हैं पर ऑनलाइन क्लासेस भी काफी करते हैं, तो भाई ध्यान देना तुम लोग मशीन नहीं है, है इंसान। और अगर इंसान है तो उसको अपना एफिशिएंटली काम करने के लिए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए थोड़ा माइंड फ्रेश करना जरूरी है, एंटरटेनमेंट एकदम जरूरी है। तो अगला क्वेश्चन उठता है क्या हम लोग अपने दिन के शेड्यूल में या वीक में थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं? ले सकते नहीं है, लेना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आपका ये जो मशीन है वो लगातार 7-8 महीना लगातार जो ब्रेन सही से वर्क करे, इसको भी थोड़ा बीच में ब्रेक का आवश्यकता जरूर रहेगा। अब सीधा सीधा बात है, तुम लोग सोने का टाइम है तुम लोग 6 घंटा, और जो मानो डे टू डे एक्टिविटीज है जो खाने पीने का रेडी होने का 2 घंटा, जो दिन में 3 क्लासेस किया उस पे लेट्स से 8 आवर लगा, इसके 8+8 16 घंटा बीता, अभी भी आपके पास 8 आवर है। तो जो कॉलेज को एक स्टूडेंट है वो कैसा नहीं है, साल भर कॉलेज रहता है 12 महीना, तो जिस समय रहा लेट्स से 5 घंटा उसमें निकल गया, 1.5-2 घंटा तुम लोग अपना रिविजन किया, अभी भी हमारे पास स्कोप है। तो अगर ढंग से आप लोग अपना डे को प्लान करें ना तो एंटरटेनमेंट का पूरा स्कोप बनता है। और एंटरटेनमेंट के अंदर में बस एक चीज को ध्यान रखना, ये नहीं कि इंस्टाग्राम रील को चला रहे हैं, जो चीज सही में तुम लोग का माइंड फ्रेश करे उसके लिए अभी भी स्कोप है, इसको जरूर यूज करना है।